नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल एक्चुअली मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मेरा सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जैसे कि मैं 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि अपनो आएगा अप टू रेजिस्टेंस लेवल जाएगा, तो ये मैंने जो कहा था वो ऑन बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन हो रहा था और उस हिसाब से हम लोग ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अपमो आ गया। रैदर देन बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिखाया। अभी बैंक निफ्टी जो है रेजिस्टेंस लेवल मैं सोच रहा था कि 44,300 तक आएगा, तो बैंक निफ्टी ने 480 का ऑलमोस्ट क्लोज दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी जो है ये बहुत अच्छा मूवमेंट देने के लिए रेडी है। मेरे हिसाब से एक 666 का एक रेजिस्टेंस मेजर रहेगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये जो लो है, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, उसका अपवर्ड एंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो बैंक निफ्टी को रुकाएगा। तो 44,666 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो रेजिस्टेंस पार करने में बैंक निफ्टी अगर सक्षम हो जाती है तो मैं ये बोलूँगा कि कल की एक्सपायरी हम लोग 45,000 देख सकते हैं। विद इन हाफ आवर हम लोग 45,000 का टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ओपन होके 656 के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आएगा और नीचे के 44,500 और 44,600 के बीच में कंसोलिडेशन मूव आने के बाद 2 बजे के बाद अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट निकली 44,666 के ऊपर, तो हम लोग 45,000 बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत फास्ट है करके बताया। कल के लिए अगर हम लोग देखते तो वही मैंने लेवल्स में लिखा है। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो 44,260 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको सेल नहीं करना है। नीचे के साइड में 44,150, 44,000 और 43,900 ये पॉइंट्स रहेंगे। बैंक निफ्टी में 660 का एक पॉइंट ऐसे है कि ऊपर से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, एक मिनट का, अगर हम लोग ये हाई का डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो पॉइंट भी 44,900 की तरफ है। तो ये यहाँ तक तो हम लोग जा ही सकते, मतलब 45,000 तक को जाने का रास्ता खुला है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे आज के दिन में एक्चुअली बैंक निफ्टी ने क्या किया, तो बैंक निफ्टी ने नीचे के साइड ओपन करके एक सिंगल बार बनाया और वो सिंगल बार के नीचे गई नहीं, और कल का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। वो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था जो कल का ब्रेक नहीं हुआ। वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो कैसे बनाए वो देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन मूव हुआ लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा खास बना नहीं। सिर्फ इतना ही हुआ कि यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना और ये हैमर बन के इन्वर्टेड हैमर बना और बाद में उसको क्रॉस किया गया तो ये बाई सिग्नल जनरेट हुआ। तो यहाँ पे एक ऐसा बहुत अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला। 44,050 के ऊपर बहुत ज़ोर से मूवमेंट आ गई। अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कल का हाई से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो जैसे ही क्रॉस हो गया हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली। इवन आज का हाई से अगर हम लोग डालते तो वहाँ से भी देख रहे थे, और अगर हम लोग अपवर्ड एंगल आज के हाई से डालते हैं जो ओपनिंग का कैंडल हुआ था वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ से हमको अच्छा ब्रेकआउट मिला। तो ऑल इन ऑल सब जगह से हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। कल का हाई से भी अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते तो वहाँ से भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। तो सब जगह से हमको कंफर्मेशन था ब्रेकआउट का। अभी उस हिसाब से ब्रेकआउट के हिसाब से बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव लेके कम से कम हमको 300-400 पॉइंट का एक अच्छा मूव दिया। इसके बाद आप देखेंगे बीच में अगर देखते हैं तो रनिंग में यहाँ पे एक अच्छा मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर और हैमर सामने सामने खड़ा हो जाता है तो वहाँ से एक जो भी डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे भी वो हो गया, बॉटम में यहाँ पे एक हैमर बना और ऊपर में चलते चलते
एक अच्छा अप्रूव दे दिया जो 44,500 तक की मूवमेंट लेके गई। कल के लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगा, कोटक बैंक को हमको वॉच करना है। कोटक बैंक जो है बॉटम में बहुत अच्छा डिलीवरी में उसने सॉरी डेली चार्ट में एक अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो दो इन्वर्टेड हैमर बने हुए हैं कोटक बैंक में, और दो इन्वर्टेड हैमर बॉटम में एग्जैक्ट बने हैं, और नीचे से उसके ऊपर क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। तो कोटक बैंक आप विद इन 7-8 दिन में मेरे ख्याल से 1841 तक का मूव देख सकते हैं, 1840-50 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। मतलब 50-60 रुपया की जो मूवमेंट है वो कोटक बैंक में बहुत फास्ट आएगी। ICICI अगर हम लोग देखते हैं तो ICICI में 20-30 रुपये की मूवमेंट अच्छी मिल सकती है, जो यहाँ से एक अच्छा ओपनिंग मिला है। यहाँ पे देखिए तो आप एक छोटा सा इन्वर्टर हैमर बनाया और क्लोजिंग अच्छी खासी मिली है ऊपर की तरफ। उसके बाद अगर हम लोग एक्सिस बैंक देखते हैं तो एक्सिस बैंक ने ऑलरेडी मूवमेंट अच्छी दी हुई है। मेन अभी देखते हैं तो HDFC बैंक मूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन HDFC बैंक ने एक डिक्लेयर किया है कि ये लो तोड़ के, जो आप देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, और ये जो लो है उसको लो को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी हुई है, जो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे सजेस्ट करती है। HDFC बैंक 1610 तक तो कल परसों के सेशन में जाता है, तो बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट चल जाएगी, और अगर HDFC बैंक 1620 तक गई तो 45,000 की नैया पार हो जाएगी। तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये चारों बहुत अच्छे सपोर्ट कर सकते हैं। इवन SBI जो है 577 का पॉइंट क्लोजिंग है, 580 तक जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में मुझे ऑल इन ऑल बहुत अच्छी तेज़ी दिख रही है। इसके बाद मैं अगर आपको निफ्टी में बताऊँ तो निफ्टी में ऐसे उतना मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला। निफ्टी में कल के लो के नीचे एक्चुअली मूवमेंट गई, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रैक हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे निफ्टी में हमको सेल देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली अगर देखते हैं तो कल का जो क्लोजिंग के आसपास जो लो बना था वहाँ से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते तो वहाँ पे वो ब्रेक नहीं हुआ था, और मैं यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैप हो गया। लेकिन इस लेवल के ऊपर 19,415 के ऊपर मैं बाय में आ गया, और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली, लेकिन ज़्यादा मिली नहीं। 19,470 तक मूवमेंट मिली, 19,442 की हमको क्लोजिंग, 44 की क्लोजिंग मिली। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी पैटर्न ऐसा कुछ खास बना नहीं, उस हिसाब से हमको थोड़ी सी मूवमेंट आ गई। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि ये सेलर जो है, सेलर की जो ये कैंडल है, जब ये कैंडल को क्रॉस हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सेलर है, यहाँ पे समझो हैमर बना, तो ये जो कैंडल है ये कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो हमको काट के यहाँ पे बाय में आना चाहिए, और ये बाय का अच्छा खासा रिजल्ट हमको मिल गया। तो ये पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको रिपीट करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं प्रीफर करता हूँ कि यहाँ पे एक हैमर बन जावे, और वो जो हैमर है वो हैमर अगर हमको सपोर्ट करता है तो फिर ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हमको अच्छी मिलती है। जैसे यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 19,404 से 19,470 तक की मूवमेंट मिली, तो 70 पॉइंट की मूवमेंट बहुत जल्दी तो नहीं, आराम से मिली, लेकिन अच्छी मूवमेंट मिली। तो कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में 19,580 तक की मूवमेंट बाकी है, वो आ सकती है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और निफ्टी में नीचे के साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो 380 के नीचे सेल करना है, 380 के सिवा सेल नहीं करना है। उसके बाद जैसे कि कल का जो ट्रिगर है वो ही ब्रेक होना चाहिए, अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो सेल नहीं होएगा। तो 380 के नीचे सेल करेंगे, 340 और 300 का सपोर्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।